चलिए तो गाइस ये हमारी हो गई शॉपिंग और यहाँ पे लाइट चलेगी, फ्लैश लगा के लॉक करना पड़ रहा क्या? फॉर्मली लेने का नंबर की पार्किंग वैसे कहाँ है भाई? क्या जबरदस्त गाड़ी लग रही है, एक नंबर। टीजी लेकिन पासिंग किधर की, किसी को आइडिया है तो बता दीजिए। ओके सो गाइस गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल आकिफ अहमद व्लॉग्स। तहज्जुद की नमाज़ हमने भी अदा कर ली है, अभी अजान होने वाली है एंड अजान के बाद हम लोग को जाना है फजर। और रात में दाखरा थी जिसको बड़ी रात बोलते हैं, तो उसकी वजह से हम लोग मतलब ज़्यादा सोया नहीं पाए। आप लोगों को आवाज़ और आँख पे से लग रहा ही होगा कितना कम सो गए हम लोग ने काम वगैरह किए। फिलहाल पढ़ते नमाज और सीरियस हो जाऊँगा, आज वीडियो वगैरह थोड़ा सा लेट आएगा तो एडजस्ट कर लेना प्लीज। चलो अर्शियन तो गाइस गुड मॉर्निंग और जोहर की नमाज़ पढ़ के हम लोग आ चुके हमारे बड़े मम्मी के घर पे। यहाँ से जाना है हमको ट्रेंड्स क्योंकि फैजान की शॉपिंग है। नंबर की पार्किंग वैसे कहाँ है भाई? क्या ज़बरदस्त गाड़ी लग रही है, एक नंबर। टीजी लेकिन पासिंग किधर की, किसी को आइडिया है तो बताओ। टीजी इसको तेरे को भी लेने का है ठीक है सर, वाला फ्रंट वाला। चलिए तो गाइस ये हमारी हो गई शॉपिंग और यहाँ पे लाइट चलेगी, फ्लैश लगा के लॉक करना पड़ रहा क्या? फॉर्मली लेने का हाँ है ना। फिलहाल हमारी हो गई शॉपिंग आज की, यहीं पे ख़त्म, अब चलने का घर पे। तो ए सी लगा रही भी नहीं, घूमने आगे गर्म हो रहा, गर्म हालत खराब। फिर कौन फिर आपसे बहुत कमेंट आते हैं फैजान, क्या बात, बहुत फीमेल फैन फॉलोइंग बहुत है तेरी। क्या बोले पप्पा को बोलोगे, फीमेल फैन फॉलोइंग बहुत है बोल के तेरी। डिस्काउंट हो गया 4,894। बहुत भारी खर्चा हो गया है। हाँ तो फैजान भाई की शॉपिंग हो गई ख़त्म, बहुत भारी भारी कपड़े लिए। अब इसको देखने का तो ईद वाला ब्लॉग देखना पड़ेगा। मिस्टर सैयद फैजान ऑन द वे फ्रॉम अक्सा मस्जिद नियर। हम लोग बस आज सोए थे खाली, अभी थोड़े हम 5-10 मिनट बैठे, अब इफ्तार को बैठ गए। मस्त खाने का स्वाद और ज़िंदगी है, लेकिन कल से नहीं, कल से ज़िंदगी बदल जाएंगे इंशाल्लाह। और जान में बस 5-7 मिनट बचे, नहीं 1-2 मिनट बचे, इफ्तार से जो होता है ही नहीं। सो गाइस जस्ट हमारी सहरी सहरी तो सुबह हो गए, जस्ट हमारी इफ्तारी हो चुकी है एंड अदीप भाई आज नहीं थे इफ्तारी में, तो अच्छा नहीं लगा। बहुत मेहनत कर रहा है लड़का, जाके शॉपिंग कर उसके दुकान पे से, भर भर के पर्स खरीदो, इतने खरीदो कि एक ही कस्टमर पूरे लेकर चले जाओ। कितने बचे अदीप अभी इन्वेस्टमेंट, रिटर्न निकल गया अपना, इन्वेस्टमेंट निकल गया कि नहीं अभी? तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं की नमाज़ अदा करने के लिए, थोड़ा सा लेट होगा आज मरकज़ में, सॉरी मराज में पढ़ेंगे नमाज। तो गाइस आज फाइनली सुभाष रोड पे भी चमक धमक दिखना स्टार्ट हो गई, मतलब कल बड़ी रात के बाद, अभी तक चमक धमक थी नहीं मार्केट में, मतलब फाइनली होल दिख रही है और मस्त क्राउड क्राउड दिख रहा है। ऐसा रहे ना, नहीं तभी तक क्या 15-20-25 रोज तक कुछ क्राउड नहीं था। रील आ रही है, बढ़ा रहे आगे, रील देखा तो नहीं हो? नहीं।
ओके सो गाइज वी आर बैक होम एंड अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दो। एंड एक क्वेश्चन था कि क्या आप लोगों की ईद की शॉपिंग हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, बिकॉज मतलब मेरी तो फर्स्ट डे पे ही हो गई थी, उसके अलावा अभी तो दूसरों के लिए शॉपिंग कर रहा हूँ मैं, थोड़ा बहुत इनके उनके गिफ्ट्स वगैरह लेने हैं तो वही शॉपिंग चल रही है। तो फिर कमेंट में बताओ एंड अगर आपने क्या क्या शॉपिंग की है वो तो बताओ, क्या लिया है ये भी बताओ। तो मिलते हैं फिर ईद के दिन, नहीं मतलब कल भी मिलेंगे। ईद के ब्लॉग के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। तो आज हमने लेकर आए थे आइसक्रीम बाहर से आते आते, पहले आइसक्रीम खाते हैं और फिर सो गाइस पहले ना मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ कि कितना टाइम हो रहा। तो अभी टाइम हो रहा 3:45 और आज मैं सोया ही नहीं हूँ, पता नहीं क्या हो गया, नींद नहीं आ रही। तो अभी वीडियो वगैरह एडिट कर चुका हूँ मैं सीधा। ओके अरे विराट कोहली की फ़ोटो आ गई है तो ऑल ऑफ अ सडन ऑटोमेटिकली चेंज होते रहते ना ये फ़ोटोज़, ये कौन है ये पता नहीं। तो बैठा हूँ मैं अभी फ़िलहाल, चिल ही कर रहा हूँ। चिल मतलब क्या चिल कर रहा हूँ, मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, क्योंकि शायद अगर सुबह नींद आई सहरी करने के बाद तो फिर सो जाऊँगा, ईजी पड़ेगा वो मेरे लिए। तो पहले कूलर ऑन करता हूँ मैं, क्योंकि मैंने कूलर बंद किया था वॉइस ओवर देने के लिए अपने ट्रेडिंग वाले चैनल पर। देखते हैं अभी क्या होता है सीन। तो यार फिलहाल चल रहे मेरे सारे काम, वही देखते बैठा हूँ मैं, चार्ट्स भी देख रहा हूँ कुछ कुछ। एंड यार मेनली ना मेरे साथ एक मतलब इशू क्या हो गया, अभी 4 बज रहे हैं, अब अगर मैं 2-4 मिनट का सोने का सोचूंगा तो मेरी सहरी वगैरह रह जाएंगे। और आग देखो मेरे भाई कितना ज़्यादा पुश कर रहा मैं खुद को, कितना ज़्यादा पुश कर रहा मेरा मेरे को पता है। ये अंकल रोज सुबह में कितने बजे आते हैं मेरे पास, कान के मेरा फ़ोन। ये जो अंकल है ना कब है 4 बजे, तो ये सुबह शहरी के लिए उठाने के लिए आ जाते रोज़ 4 बजे के अराउंड। और मेरी हालत भाई एक नंबर डाउन है। तो मिलते हैं फिर कल के ब्लॉग में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो आने वाली वीडियोज़ के साथ अपडेटेड रहने के लिए। And thank you for making me a part of it. I will see you soon in tomorrow's vlog. Till then, bye bye. Take care. Khuda hafiz. Bahut zyada thak gaya main, mere ko baat bhi karne ko nahi man ho raha. Live a life, live a dreams. Boom.